कहा जाता है सप्त आज्ञा चक्र, उनमें से जो है पांच को जगा देता है आपका तंत्र। तो तंत्र और मंत्र दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए होता है। तंत्र होता है, मंत्र होता है जन कल्याण के लिए, तंत्र होता है व्यवधान के लिए। अगर आपके कार्य में व्यवधान पड़ रहा है, बाधा पड़ रही है, तो आप तंत्र का प्रयोग करिए। अब ये बताइए कि जो अमावस्या की रात खावली के दिन होते, दीपावली की जो रात होती है, उसका क्या महत्व है तंत्र के नजरिए? अमावस्या की रात जो दीपावली के दिन होता है, दीपावली ही ऐसा पूरे वर्ष में ऐसा मुहूर्त आता है दीपावली के दिन, जिस दिन जो है अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ होते हैं। अमृत सिद्धि योग का मतलब जो भी काम करेंगे वो बड़ा सुखमय होगा, अमृत सिद्धि योग मंत्र के लिए लिया जाता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो तंत्र साधना के लिए लिया जाता है। कार्यों में कोई भी व्यवधान चल रहा हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब जिसके अंदर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं ऐसा योग बनता है, इसलिए क्या है दीपावली के दिन तंत्र साधना ज्यादा होती है। ये दोनों योग दीपावली की जो अमावस्या की रात होती है एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ मिलन होता है और साल में एक बार ही होता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए जो तंत्र साधक है बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी 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 बिल्कुल यही है कि तंत्र साधक जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं। उस रात में होता क्या है जो तंत्र साधक करते हैं, वो क्या कुछ करते हैं और उससे किस तरह का कल्याण होता है, किस तरह से कामों की साधना की जाती है? देखिए पहली भी चीज ये कि तंत्र को आप बलि से बिल्कुल ना जोड़े, तंत्र को किसी की बुराई से ना जोड़े, क्योंकि शिव ने तंत्र की शिव महापुराण है, शिव जी ने ही तंत्र और मंत्र की रचना की है, और उसको हमें किसी भी बुराई से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको अच्छाई को लेकर चलना चाहिए कि अच्छाई से जोड़ना चाहिए। जो तंत्र होता है वो ऊर्जा को जागृत करता है, पहली चीज़ ये। और तंत्र में इसका मतलब ये नहीं कि आप तंत्र का मतलब आप बलि है, टोना टोटका है, किसी के लिए बुराई करना है, किसी का कपड़ा काट देना है, किसी के बाल काट देना है, ये तंत्र नहीं होता है। ये बुराई के लिए किया जाता नहीं, है ना? ये तंत्र होता ही नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष पे, ये तो मंत्र से भी हो सकता है, ये तो आदमी की दृष्टि पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। तंत्र हमेशा सुख के लिए होता है, समस्याओं के व्यवधान, समस्या आ रही है या कोई कार्य में व्यवधान आ रहा उसको दूर करने के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तंत्र के नाम से कोई भी आडंबर या कोई भी शोशाबाजी आप करते रहे, तंत्र वो नहीं होता। तो तंत्र हमें ये नहीं सिखाता। अब मुझे ये बताइए कि जो तंत्र जन कल्याण के लिए किया जाए, अगर आपके कामों में कुछ व्यवधान पड़ रहा है उसके लिए किया जाए, तो उसके लिए किस वक्त ये प्रक्रियाएं की जाती हैं? क्या आधी रात का इंतजार किया जाता है, क्योंकि हमने तो सुना है आधी रात के वक्त ही सब कुछ किया जाता है उस दिन? जी ऐसा नहीं है कि आधी रात को ही किया जाता है, इसके एक लगन होते हैं, जैसे दीपावली के अंदर जो है लक्ष्मी का लगन होता है, इसी तरह से तंत्र साधना का भी एक लगन होता है। जो इस बार जो है तंत्र साधना का जो लगन है वो रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में है, उस बीच में स्थिर लगन जब आता है तब वो बहुत अच्छा रहता है आपके तंत्र साधना के लिए। और द्वि स्वभाव जो लगन होता है वो दो लगन बहुत अच्छे रहते हैं, जिसका समावेश इस बार रात्रि के 11 बजे से 2 बजे के बीच में है। पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान अमावस्या की इस रात को किया जा सकता है और बाकी दिन संभव नहीं है? देखिए आप ये है कि आपको पता कैसे चले, तो ज्योतिष, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति के अंदर बताता है कि इसके अंदर कोई बाधा है कि नहीं है। यदि चंद्रमा आपका जन्मजात कमजोर हो गया, या आपका पंचम स्थान जो होता है वो स्वास्थ्य का होता है और भाग्य का स्थान नवम होता है, इसमें शनि राहु केतु की दृष्टि हो या यहाँ कालसर्प योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को ही परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को परेशानी होती है, लेकिन ये कि हम देखिए उत्पत्ति ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है एक सकारात्मक एनर्जी से और एक नकारात्मक एनर्जी, जैसे सेल होता है आप कोई भी ऊर्जा कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, ऐसी बिजली भी ऐसी चलती है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका कैमरा, वो चीज़ जैसे हमारा शरीर भी उसका एक उदाहरण है, हम यहाँ से खाते हैं ये पॉजिटिव और फिर वो निकलता भी है वो नेगेटिव, तो इसी प्रकार से जो है पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी। ये बताइए ना कि कौन कौन से जैसे जो लोग होते हैं कौन सी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें वाकई इस तंत्र का सहारा लेना चाहिए और दीपावली की अमावस्या की रात को ये सब कुछ हो सकता है? देखिए